दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप प्रूफ देख लीजिएगा ताकि आगे जाकर आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी और समझने में कोई भी दिक्कतें ना होगी। तो ये है एनालिटिक्स का मतलब कि ग्राफ दिखाया गया है। ये देखिए 2-4 दिन पहले से जो है ये ऑफ में आ गया है। और ये कैसे आ गया है, इस चैनल पर मात्र सिर्फ और सिर्फ 66 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर कुछ वीडियोज़ मैंने ऐसे डाल दिया जिसकी मदद से जो है ये ग्रो हो रहा है। और मैं बता देता हूँ कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये जो है रैंक कर रहा है, बिना टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के ये रैंक कर रहा है। तो ये कैसे रैंक कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इस वीडियोस को मैंने जो है 4 दिन पहले अपलोड किया था और यहाँ पर 300 से ज़्यादा व्यूज़ आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए उसके नीचे भी देखिए व्यूज़ जो है, वीडियो जो है आया हुआ है, और यहाँ पर भी व्यूज़ आया हुआ है और अभी तक व्यूज़ आ रहा है और इसकी मदद से जो है चैनल आगे बढ़ रहा है। अब ये चैनल जो है ग्रो कर जाएगा। लेकिन सब्सक्राइबर देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 67 या फिर उससे कम है यहाँ पर सब्सक्राइबर। तो सबसे पहले यहाँ पर थंबनेल की बात करते हैं। आप लोग बोलते हो ना थंबनेल अच्छा होना चाहिए, टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, टैग अच्छा होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखिए थंबनेल देखिए यहाँ पर तो लगाया गया ही नहीं है, थंबनेल ही नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए जो टाइटल है उसी को ही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पर भी लगाया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टाइटल को ही हमने कॉपी करके डिस्क्रिप्शन लगाया गया है और कुछ नहीं लिखा गया है, बस हमारा चैनल का नाम लिखा गया है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा तो आपका चैनल का नाम डाल दीजिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, टैग सेक्शन में जाते हैं, टैग सेक्शन पर भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं टैग सेक्शन नील है यानी कि खाली है, फिर भी यहाँ पर व्यूज़ कैसे आ रहा है और क्या है इसका राज, यहाँ पर मैं इस वीडियो पर अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका मतलब कि वॉच टाइम, देखिए वॉच टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए वॉच टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी व्यूज़ क्यों आ रहा है, वॉच टाइम भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 55 सेकंड जो है मतलब कि वॉच टाइम मिल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है व्यूज़ आ रहा है, ये सब कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और भी जो है मतलब कि थंबनेल वगैरह वॉच टाइम वगैरह बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो पर जो है ऐसा कुछ भी मतलब कि देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन व्यूज़ आ रहा है, क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक चीज़ सबसे जो है ज़रूरी चीज़ होता है वो है क्लिक थ्रू रेट यानी कि इंप्रेशन। यहाँ पर देखिए 10% से ज़्यादा आया हुआ है, इसकी वजह से व्यूज़ आ रहा है। लेकिन ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी आप बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है एक कीवर्ड डाला गया है, वो है MAA जो लिखा हुआ है माँ और यहाँ पर लिखा गया है मेलोडी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो वीडियोज़ डाला गया है वो भी कुछ नहीं है, ठीक है, इस वीडियो पर भी ऐसा कुछ है ही नहीं लेकिन व्यूज़ आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो है लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, इस टाइप के वीडियोज़ जो है बहुत सारे लोग देखते हैं और यहाँ पर जो है इन लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। और नीचे का भी बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर देखिए नीचे का तो थंबनेल ही नहीं लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल ही नहीं लगाया है मैंने, बस ऐसे ही डाल दिया। ये मेरा ब्लॉग चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे और एक ट्रिक जो है बताने वाला हूँ अभी, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर व्यूज़ कैसे आए। देखिए यहाँ पर जो थंबनेल है वो HD नहीं है यानी कि थोड़ा सा घटिया है लेकिन फिर भी व्यूज़ आ रहा है। बस यहाँ पर जो ब्रांड है यानी कि जो माँ मेलोडी है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि माँ मेलोडी यानी कि इस कीवर्ड को बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, लेकिन मेरा जो है सर्च रिजल्ट से भी व्यूज़ नहीं आया हुआ है, रिकमेंडेशन से व्यू आया हुआ है। देखिए हमने कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया फिर भी रिकमेंडेशन में कैसे जा रहा है, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है बाकी लोगों को भी पसंद आ रहा है इसलिए और लोगों को रिकमेंड कर रहा है, सिंपल है बस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस टाइप के वीडियोस और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैंने इसे शूट करके बस डाल दिया और कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से व्यूज़ आ रहा है। तो और एक वीडियोस यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है एक वीडियोस देखने को मिल जाएगा जहाँ की स्विमिंग पूल भी फेल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर मैंने खुद से शूट किया है, तो इस वीडियो पर भी जो है मैंने कीवर्ड नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, बस वीडियोस अच्छा होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि वीडियोस किस तरीके से शूट करोगे ताकि लोगों को लास्ट तक एंगेजमेंट बना रखे, या फिर ऐसा बनाओ कि वहाँ पर क्लिक ही कर लेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही आपके पास व्यूज़ आ जाएगा, फिर दूसरे लोगों को रिकमेंडेशन हो जाएगा, क्लिक करते ही व्यूज़ आ जाएगा, दूसरे लोगों को रिकमेंडेशन हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा जब तक आपका वॉच टाइम नहीं मिल जाता है। अगर वॉच टाइम ठीक मिलता है तो ही आपके वीडियोस रैंक करेंगे। तो यहाँ पर जो ये वीडियोस में जो पहला वीडियो है वहाँ पर वॉच टाइम नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर व्यूज़ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम वॉच टाइम मिल रहा है लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, हालांकि बिलो है लेकिन फिर भी वॉच टाइम जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। तो आप लोग जो है समझ चुके होंगे कि सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ये है
कि आप लोगों को किस तरीके से वीडियोस बनाना है ताकि लोग जो है आपके वीडियोस पे एंगेजमेंट बना रहे। और दोस्तों अगर लोग उसी तरीके का कंटेंट ढूंढ रहे हैं तब तो वो वीडियोस आपका जो है ग्रो हो ही जाएगा। तो इस तरीके का कंटेंट बनाइए ताकि लोगों को भी पसंद आए और लोगों को भी पसंद आए और उन लोगों को जो है मतलब ढूंढ रहे हैं ऐसा कंटेंट, तो इस टाइप का कंटेंट बनाइए, आपका चैनल जो है 100% ग्रो हो जाएगा। तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है, जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाय बाय, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।